अगर आप यह वीडियो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक बार वीडियो रोककर पूरा वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को न देखने के बाद जानकारी के अभाव में आप कुछ ऐसी वस्तु खा रहे हों जिससे आपकी जान चली जाए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। बिना मसालों के भारत में खाने की कल्पना नहीं की जा सकती। मसाले हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। बहुत मसाले ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी लाभदायक होते हैं, जो हमें स्वास्थ्यवर्धक भी बनाते हैं। लेकिन हालिया एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भारत के दो प्रसिद्ध मसालों की कंपनी में एक ऐसा जहरीला केमिकल मिला है जो कि लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। भारत में दो मसाला बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनियां मसाले के रूप में जहर बेच रही हैं। हालांकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहता है कि हमें बंद मसाले ही खरीदने चाहिए, खुले मसाले नुकसानदायक होते हैं। लेकिन ऐसे में जब दो भारत की बड़ी मसाले वाली कंपनियों के रूप में जहर बेचने का मामला सामने आया है, मसाले के रूप में वह दोनों कंपनियां जहर बेच रही हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस मसाले को हांगकांग और सिंगापुर में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक जहरीला केमिकल जो कि एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे यह मसाले वाली कंपनियां अपने चार मसालों में प्रयोग कर रही हैं। यह कैंसर का कारण हो सकता है। हांगकांग की फूड सेफ्टी कंपनी में जब यह जांच करने के लिए गया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भारत के इन दो प्रसिद्ध मसालों के चार मसालों के ब्रांड को जब जांच के लिए सैंपल भेजा गया तो वहां पर यह चारों सैंपल जांच में फेल हो गए। और उस जांच में यह साफ साफ सामने आया कि इन दो ब्रांड के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल, जहरीला केमिकल यूज किया जा रहा था। और न जाने कितने वर्षों से हम यह जहर खाते आ रहे हैं। खाने में इस दोनों कंपनियों के मसाले बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम भरपूर मात्रा में इन कंपनियों के मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि यह कंपनियां मसाले के रूप में जहर बेच रही हैं। अब हांगकांग और सिंगापुर में जब पूरी तरह से यह मसाला बैन हो गया और न्यूज चैनलों के माध्यम से जब भारत में इस मसाले में जहर होने की बात पता चली तो भारत में हड़कंप मच गया। भारत की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, भारतीय सरकार का जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसने तेजी लाते हुए आनंद फानन में इन दोनों ब्रांड के चारों मसालों को जांच के लिए भेजा और भारत में भी यह चारों मसाले जांच में फेल हो गए। और यह पूरी तरह साबित हो गया कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का नाम का पेस्टिसाइड जो कि एक कीटनाशक होता है, गंभीर बीमारी को, कैंसर जैसी बीमारी को यह पैदा करता है, उस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था। इन मसालों की कंपनियों का नाम जब हम आपको बताएंगे तो शायद आपको विश्वास ना हो। एवरेस्ट और एमडीएच जो कि भारत की बड़ी ब्रांड है, मसाले की बड़ी ब्रांड मानी जाती है एवरेस्ट और एमडीएच, जिसका प्रचार आए दिन आप अपने टेलीविजन पर देखते होंगे। इन दोनों मसाले की कंपनियों के चार मसालों में, हम आपको बता दें, इन दोनों मसालों के कंपनियों के चार मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का पेस्टिसाइड पाया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा आपको और यह उसमें मिलाया जा रहा है। यह खाने के बाद आपको गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है।
आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि अब आप कोई भी मसाला खरीदने से पहले आपके किचन में, आपके भोजन में किस तरह का मसाला, किस कंपनी का मसाला प्रयोग हो रहा है, किसी भी मसाले का प्रयोग करने से पहले एक बार जांचें, परखें और यह देख लें कि कहीं आपके मसाले की कंपनी एथिलीन ऑक्साइड पेस्टिसाइड यानी कि कैंसर बीमारी पैदा करने वाला केमिकल तो नहीं बेच रही है, या आप कहीं गलती से कैंसर बीमारी को पैदा करने वाला मसाला तो अपने घर में अपने लोगों को नहीं खिला रहे हैं। यह बड़ी खबर है, बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह कोई न्यूज़ आपको नहीं बता रहे, जागरूकता का वीडियो है जो कि भारत में जब से यह वीडियो सामने आया है, जब से यह रिपोर्ट सामने आई है कि भारत की बड़ी दो कंपनियां एमडीएच और एवरेस्ट, मैं आपको नाम बता रहा हूं कि इन दोनों कंपनियों ने अपने मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जो कि कैंसर जैसी बीमारी को पैदा करता है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसका इलाज तो संभव है लेकिन एक बार अगर किसी को हो जाता है तो 90% लोगों को यह मारने के बाद ही खत्म होता है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में जब भी कोई मसाला लेकर आइए तो जांच के और परख करके लेके आइए कि कहीं उस मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तो नहीं मिला हुआ है। हालांकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट यह कहता है कि हमें खुले मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा यह कहना है कि खुले मसाले हम अपनी आंखों से देख कर लेते हैं और पैकेट बंद मसाले में हम नहीं देख पाते कि उसमें कौन सा केमिकल मिला है या क्या चीज़ मिला करके हमको दिया जा रहा है। हमें जो दुकानदार बेचता है हम वो ले करके आते हैं और अपने घर अपने भोजन में उसको डाल के बनाते हैं, खाते हैं और फिर उससे जो भी बीमारियाँ होती हैं उसे हम झेलते हैं। लेकिन अब इस रिपोर्ट में यह सामने आ गया है कि एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के रूप में लोगों को जहर बेच रहे हैं। हांगकांग और सिंगापुर में तो इस मसाले का प्रयोग पूरी तरह बैन कर दिया गया है। नेपाल भी अब एक कड़ा कदम उठाने जा रहा है एवरेस्ट और एमडीएच मसाले को बैन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुका है और ऐसी आशा है कि अति शीघ्र नेपाल में भी एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले को बैन कर दिया जाएगा। हालांकि भारत में भी इस रिपोर्ट के आने के बाद हड़कंप मच गया है और ऐसा लग रहा है कि भारत में भी इस दोनों कंपनियों के मसालों को बैन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसे ही तमाम वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द चेतक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।